प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पंडित नितिन शास्त्री पर। आज 17 अक्टूबर 2019 कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है और कार्तिक मास चल रहा है। आज का दिन गुरुवार है। नक्षत्र के स्वामी देव गुरु हैं। प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं आज का। प्रिय मित्रों, आज का विषय है जन्म कुंडली का नवम भाव। जातक की जन्म कुंडली का नवम भाव किस चीज को दर्शाता है? नवम भाव जो होता है धर्म को दर्शाता है। भगवान में जातक की कितनी आस्था होगी इस चीज को दर्शाता है। प्रिय मित्रों, नवम भाव से ही पता चलता है कि जातक पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास रखने वाला है या नहीं, या फिर वह धार्मिक कार्यों में किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होगी, वह स्वभाव से आस्तिक प्रवृत्ति का होगा या नास्तिक प्रवृत्ति का होगा, नवम भाव से ही पता चलता है। बात करते हैं नवम भाव में रामदेव क्या परिणाम देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव में रामदेव है तब वह जातक को शुभ परिणाम देते हैं। प्रिय मित्रों, शुभ परिणाम के रूप में नवम भाव में अगर राहु बलवान है तो जातक की भगवान में सच्ची आस्था होगी, साथ ही साथ वह धार्मिक कार्यों को करने वाला होगा और बड़ों का आदर अपने पिता से विशेष रूप से स्नेह करने वाला होगा। इसके साथ साथ नवम भाव का राहु जातक को स्वभाव से दयालु बनाता है। नवम भाव का राहु जातक के अंदर दयालुता की भावना को पैदा करता है। साथ ही साथ मित्रों, नवम भाव का राहु जातक को चातुर्यता का गुण भी प्रदान करता है और साथ ही साथ जातक के अंदर बुद्धिमता की एक विशेष कला होगी। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में राहु उच्च का माना गया है, इसी के कारण वह जातक को शुभ परिणाम देता है। लेकिन प्रिय मित्रों, ध्यान रखना है कि नवम भाव का जो राहु है किसी भी दुष्ट ग्रह द्वारा पीड़ित नहीं है, क्योंकि प्रिय मित्रों, अगर ऐसा योग बनता है तो उस स्थिति में रामदेव जो है शुभ परिणाम नहीं देंगे। जन्म कुंडली के अध्ययन के हिसाब से किसी पाप ग्रह की दृष्टि रामदेव पर ना पड़ रही हो, अगर ऐसा योग नहीं बनता है, कोई भी पाप ग्रह नवम भाव के राहु को नहीं देख रहा है या नवम भाव का जो राहु है अगर किसी भी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट नहीं है तो वह जातक को शुभ परिणाम देगा। नवम भाव से लंबी समुद्र यात्राएं भी देखी जाती हैं और साथ ही साथ नवम भाव का जो राहु होता है पुत्र और पिता के बीच के स्नेह को दर्शाता है। ये तो थे नवम भाव में राहु देव के शुभ परिणाम। अब बात करते हैं नवम भाव में अगर राहु देव कमजोर है या किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट है तब वह क्या परिणाम देते हैं। प्रिय मित्रों, नवम भाव में अगर राहु देव कमजोर है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो अशुभ परिणाम क्या हो सकते हैं। नवम भाव के राहु देव अगर किसी पाप ग्रह के साथ युति बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को कुछ कष्ट भी हो सकता है। प्रिय मित्रों, नवम भाव का राहु कष्ट के रूप में धर्म और ईश्वर में उसकी आस्था घटती है। जातक नास्तिक प्रवृत्ति का हो सकता है और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला हो सकता है अगर नवम भाव का राहु कमजोर है। प्रिय मित्रों, अगर नवम भाव का राहु
कमजोर है, तो ऐसे जातकों को सदैव अच्छे वस्त्र धारण करने चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ संबंधों को मधुर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो नवम भाव का राहु अगर कमजोर भी है और पीड़ा दे रहा है तो इन उपायों के करने से अवश्य ही वह शांत होगा। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं आपको आज का यह अंक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। प्रिय मित्रों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय माता की।